शासकीय माध्यमिक विद्यालय बुरहानाबाद के विद्यार्थी खोज यात्रा के तहत शहर में पहुंचे। इस दौरान सबसे पहले नगरपालिका द्वारा निर्मित संभव गार्डन का भ्रमण किया। प्रधानाध्यापक योगेंद्र जैन ने बताया कि नेत्रहीन शिक्षक जयवंत राठौर द्वारा संभव गार्डन में अपशिष्ट पदार्थों से कंपोस्ट खाद बनाने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान गार्डन के लाल सिंह कुशवाहा ने प्रक्रिया को प्रैक्टिकल रूप से विद्यार्थियों को समझाया। इस अवसर पर नेत्रहीन शिक्षक राठौर ने बांसुरी के माध्यम से देशभक्ति गानों की प्रस्तुति भी दी, जिससे पूरा वातावरण देशभक्ति में डूब गया। शिक्षक दयाराम परमार के अनुसार विद्यार्थियों ने संभव गार्डन की महत्ता को समझा। मल त्याग व अपशिष्ट पदार्थों से कंपोस्ट खाद एवं खरपतवार व पेड़ पौधों की पत्तियों से कंपोस्ट खाद किस प्रकार से बनाई जाती है उसका अध्ययन किया गया। साथ ही ट्रीचिंग ग्राउंड पर कचरे के ढेर पर सुंदर गार्डन का निर्माण हुआ। वेस्टेज सामग्री टायरों से सौंदर्यकरण को भी सराहा। भ्रमण के पश्चात शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने नगर पालिका परिषद के इस सराहनीय कार्य को देखते हुए धन्यवाद प्रेषित किया एवं अपने जीवन में स्वच्छता को प्राथमिकता देकर अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प लिया। शासकीय माध्यमिक विद्यालय बुरहानाबाद से बच्चों को आसपास की खोज के तहत नागदा नगर पालिका के जो मल और खाद के निस्तारण केंद्र पर लाए गए हैं। बच्चों ने यहाँ पर बहुत अच्छा महसूस किया है कि जो कि सेप्टिक टैंक से जो यहाँ पर खाद बनाई जाती हैं, तरल पदार्थ अलग निकाला जाता है और जो गाढ़ा है वो अलग बता करके उसकी खाद बना करके जो बताई गई है वो देखा गया है। बच्चों ने बहुत अच्छा फील किया है, ताकि आजकल की जो यूरिया और उर्वरक खाद से जो हमारी मृदा का जो क्षय क्षरण हो रहा है उसमें ये एक बहुत अच्छा कदम है कि अगर वो जैविक खाद से खेती करें तो स्वास्थ्य के ऊपर भी और बहुत अच्छा मतलब कर पाएंगे। इस प्रकार से बच्चे अच्छा फील महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। आस पास की खोज के तहत आज नागदा में संभव गार्डन में हम आए, जिसको देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। नगर पालिका ने जो निस्तारण का कार्य किया वह ही सराहनीय और साहसिक कदम है।